सो हे गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है शॉटगन हेडशॉट ट्रिक के ऊपर। आज मैं आपको जितनी भी हमारी गेम में शॉटगन्स हैं उन सभी की वन टैप हेडशॉट ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो ज्यादातर हम M1007 का यूज करते हैं, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको इसी शॉटगन के साथ वन टैप हेडशॉट्स लगा के दिखाऊंगा। जितनी भी ट्रिक्स या फिर जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊंगा वो आप हर शॉटगन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, आपको इजिली वन टैप हेडशॉट्स मिलेंगे। तो गाइज, किसी भी शॉटगन के साथ हम दो एम प्लेसमेंट से काफी इजिली वन टैप हेडशॉट्स मार सकते हैं। पहली एम प्लेसमेंट है ये वाली, इसमें हमारा एम रहेगा जमीन पे और हमने सिंपल सा स्टे ड्रैग करना है, अपने फायर बटन को ऊपर को ड्रैग करना है और हमें इजिली वन टैप हेडशॉट मिल जाएगा। आप इस ट्रिक का यूज हर शॉटगन पे कर सकते हो, आपको इजिली वन टैप हेडशॉट्स मिल जाएंगे। बाद में मैं आपको हैंड कैम भी दिखा दूंगा, हैंड कैम को देख लेना, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि कितना ड्रैग करना है, कैसे ड्रैग करना है। अभी हम बात करते हैं अपनी दूसरी एम प्लेसमेंट के बारे में। इसमें हमें अपने एम को एनिमी की लेफ्ट साइड सेट करना होता है, उसके बाद अपने फायर बटन को राइट साइड को रोटेशन ड्रैग करना है और राइट साइड को रोटेशन ड्रैग करना काफी ज्यादा इजी होता है। इस ट्रिक का यूज करके हम काफी ज्यादा फास्ट और डेंजरस वन टैप हेडशॉट्स मार सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप इन सभी क्लिप्स में देख सकते हो, इन सभी में मैंने वन टैप हेडशॉट मारने से पहले अपने एम को लेफ्ट साइड पे सेट किया है और सिंपल सा राइट साइड को रोटेशन ड्रैग किया है और इजीली काफी ज्यादा स्मूथ और सुपर फास्ट वन टैप हेडशॉट्स लग गए। आप इन दोनों में से कोई भी ट्रिक को यूज कर सकते हो, क्योंकि एम को सेट करना हमारे हाथ में होता है। हम अपने एम को एनिमी के पैरों के नीचे भी सेट कर सकते हैं और राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, पर मैं आपको कहूंगा कि आप लेफ्ट साइड सेट करना, क्योंकि अगर आप अपने एम को लेफ्ट साइड सेट करोगे तो राइट साइड को रोटेशन ड्रैग करना काफी ज्यादा आसान होता है। और जो ड्रैग तकनीक आपको कंफर्टेबल लगती है आप उसी का यूज किया करो। आपको अगर स्ट्रेट ड्रैग करना आता है अच्छे से तो आप उसी का यूज किया करो, और अगर आपको रोटेशन ड्रैग कर लेते हो आप अच्छे से तो आप रोटेशन ड्रैग किया करो। और इन गेम की सेंसिटिविटी अपने जर्नल को बिल्कुल फुल रखना है, बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो आप डीपीआई भी लगा सकते हो, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, आपके इजीली वन टैप हेडशॉट्स लग जाएंगे। तो मैं आपको हैंड कैम दिखा देता हूं, और जो मैं आपको हैंड कैम दिखाऊंगा वो 3GB रैम के फोन का होने वाला है। तो ये स्ट्रेट ड्रैग का हैंड कैम आप देख सकते हो, सिंपली अपने फायर बटन को ऊपर को ड्रैग करना होता है, एम को एनिमी के पैरों के नीचे रख के। और इस फोन में मैं डीपीआई भी यूज करता हूं, तो अगर किसी को जानना है कि मैं कितना डीपीआई यूज करता हूं तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने हैंड कैम के साथ काफी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, वहां पे आपको डीपीआई भी देखने को मिल जाएगा। और अभी आप रोटेशन ड्रैग भी देख लो कि किस तरीके से किया जाता है, अपने फायर बटन को राइट साइड को इस तरीके से घुमाना होता है और इजीली वन टैप हेडशॉट लग जाता है। पर इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि मुझे कितना फायर बटन घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हर फोन में सेंसिटिविटी के हिसाब से अपने फायर बटन को रोटेट करना पड़ता है। और अपडेट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने M1007 की रेंज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। आप इस क्लिप में देख सकते हो एनिमी काफी ज्यादा दूर था, मिड रेंज हम इसे बोल सकते हैं। और यहाँ में मैंने इसको जब वन टैप हेडशॉट मारा तो प्रॉपर एंड नंबर नहीं लगा था, पर फिर भी ये मर गया। और जब भी आप किसी से 1v1 कस्टम खेलते हो या फिर कोई भी लोन वोल्फ खेलते हो तो आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगा के खेला करो। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देखो, मेरा एनिमी इस साइड को गया और मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शन लगाया कि अभी वो इस साइड से निकलेगा, और मैंने यहाँ पे पहले ही पोजीशन क्रिएट कर ली, मैंने सुपर जंप किया, वेपन हाथ में लिया और ये यहीं से निकला और मैंने इसके हेड की तरफ ड्रैग किया और ये इजीली डाउन हो गया। और कस्टम में भी आप इसी तरीके से प्रेडिक्शन लगा सकते हो। एग्जांपल के लिए अभी मेरा जो एनिमी है वो इस साइड है और मैंने प्रेडिक्शन लगाया कि ये यहाँ से निकलेगा और मैंने इससे पहले सुपर जंप कर लिया, वेपन हाथ में ले लिया और सही जगह पे एम को सेट करके सही तरीके से रोटेशन ड्रैग किया और इसे इजीली वन टैप हेडशॉट लग गया। प्रेडिक्शन हेडशॉट ट्रिक के ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बना रखी है, अगर किसी ने नहीं देखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। और डीपीआई के ऊपर भी मैंने एक फुल वीडियो बना रखी है, आप अपने फोन के हिसाब से सही डीपीआई उस वीडियो से ढूंढ सकते हो। और अगर किसी को और ज्यादा हैंड कैम वीडियोस देखनी है तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जाके देख सकते हो। तो बाय बाय गाइज़।